हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू वाचिंग टेक ऑफिस। और आज मैं यहाँ पे फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ रेडमी के नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स के कैमरे के बीच में, क्योंकि एक में हमें देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल और दूसरे में देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल। और दोनों में सारे जो फीचर्स वगैरह है सब कुछ सेम देखने को मिलता है, यहाँ तक कि दोनों के जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी हमें सेम देखने को मिलता है। लेकिन आप लोग के डिमांड आ रहे थे कि हमें कैमरा का फुल डिटेल कंपैरिजन चाहिए कि किसका कैमरा बेटर है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको मैक्स लेना है या फिर प्रो लेना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सैंपल शॉट्स क्लिक कर रखे हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड शो करने वाला हूँ, और इससे आपको प्रॉपर अंदाजा लग जाएगा कि किसका कैमरा कितना ज़्यादा बेटर डिटेल और कलर्स प्रोवाइड करता है, ताकि आप एक बेहतरीन फोटो के लिए एक फ़ोन पिक कर पाओ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज को वॉच करने के लिए प्लीज़ शेयर करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों को साइड बाय साइड यहाँ पे कैमरे के जो क्लिक है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं साइड बाय साइड दिखा सकूँ डिटेल्स कैसा देखने को मिलता है। मैंने दोनों का जो साइड बाय साइड फ़ोन में भी चेक किया है क्लिक करने के बाद, लेकिन दोनों फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंट मुझे देखने को मिल रहा था ऑन स्क्रीन। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों था, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसे दोनों को कंप्यूटर के ऊपर लेके आया हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ खास बिग चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे हैं जिसके वजह से आप अपने माइंड को चेंज करके नोट 10 प्रो से मैक्स पे जा सकते हो, या फिर मैक्स से प्रो पे भी आप स्विच कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर डिटेल यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आप देख सकते हो साइड बाय साइड इमेज जहाँ पे मैं ही बैठा हूँ, एक में लग रहा है मैंने गांजा इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टी शर्ट का जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा है, जो यहाँ पे भाई बूस्ट हो चुका है और कलर चेंज हो चुका है, जो कि इस साइड में जो मेरा है ये प्रो मैक्स है, जबकि दूसरे साइड राइट साइड में ये ओनली ऑन प्रो है। तो यहाँ पे प्रो में नेचुरल कलर देखने को मिला है, जैसा टी शर्ट का है सेम वही है, आप फेस पे भी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है जो नेचुरल कलर है, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रेड रेड हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे प्रो का कैमरा बेटर लगा, लेकिन आपका क्या है आप ओपिनियन शेयर करना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेकेंड इमेज की ओर आते हैं, यहाँ पे भी सेम है, कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है मैक्स के अंदर, जबकि यहाँ पे नेचुरल हमें देखने को मिलता है प्रो के अंदर। नेक्स्ट फोटो पे आते हैं, तो यहाँ पे ये जो फोटो है इस पे देख सकते हो आप दोनों को फ्लैश करके यूज किया गया है नाइट में, यानी डार्क एरिया में, तो दोनों का जो रिजल्ट है बिल्कुल ही मुझे सिमिलर देखने को मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। साथ साथ आते हैं विदाउट फ्लैश लाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि विदाउट फ्लैश लाइट का है, जिसमें यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो मैक्स है इसमें डिटेल कम दिखाई दे रहा है। लेकिन वैसे ही मैं यहाँ पे जूम कर दूँ फोटो को दोनों को, तो आप देखोगे जो मैक्स है इसमें डिटेल थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है, जबकि यहाँ पे जो प्रो है इसमें आपको थोड़ा भाई डॉट डॉट टाइप का अच्छा सा इमेज देखने को नहीं मिलता है। तो जो डिटेल्स है वो मैक्स में यानी 108 में थोड़ा बेटर मिल जाता है। नेक्स्ट फोटो के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में डार्क एरिया पे ही क्लिक किया गया है, जबकि प्रो के अंदर लाइट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और ऑन स्क्रीन काफ़ी सही लग रहा है, जबकि मैक्स में लाइट कम है। जबकि मैं अगर यहाँ पे जूम कर दूँ दोनों फोटो को, तो आप देख पाओगे कि जो मैक्स है इसमें अच्छा सा डिटेल दिखाई दे रहा है सब कुछ, जबकि यहाँ पे लाइट होने की वजह से तो दिख रहा है सही, बट जो डिटेल्स क्लियरिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग मुझे देखने को मिले है। तो इस तरीके से आपको दोनों में चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो दोनों का मैक्रो ट्राई किया है तो ऐसा देखने में लग रहा है कि दोनों सेम इमेज है, जबकि दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे मुझे कोई डिफरेंट नज़र नहीं आया। सेकेंड पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रो के अंदर थोड़ा डार्क ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे थोड़ा रेड टाइप का हल्का सा जो यहाँ पे चैन है इस पे देखने को मिलता है। तो ये आप अपना प्रेफरेंस बताना कि आपको कौन सा इमेज यहाँ पे बेटर लगा, क्योंकि दोनों मुझे यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, बस कलर का चेंज है। और आपको पता ही है भाई 108 जो आया है वो, और सैमसंग हमेशा सेंसर थोड़ा बहुत कलर में दिक्कत करते ही करते हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट इमेज में हमें देखने को मिलता है, आप देखोगे दोनों मैक्रो ही है, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा कम ब्लैक है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्लैक देखने को मिल रहा है। आप बैक साइड का एरिया भी देख सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा कम डिटेल्स है, जबकि यहाँ पे थोड़ा पता चल रहा है, तो ब्लैक होने की वजह से यहाँ पे भी आप देख पाओगे ब्लैक ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से दोनों में चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे आते हैं सेकेंड इमेज पे, तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो दोनों पे डिटेल्स प्रॉपर है, बट कलर का थोड़ा सा चेंज मुझे दोनों में देखने को मिला है, बट यहाँ पे मैं ह्यूज डिफरेंट नहीं कहूँगा कि है, बट सही है। यहाँ पे आते हैं अनदर इमेज के ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ पे जो गेट का कलर है ब्लू ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हमारा जो प्रो है उसमें ज़्यादा है और यहाँ पे मैक्स में, सॉरी भाई गलती से मिस्टेक हो गया, मैक्स में थोड़ा ज़्यादा है और प्रो में थोड़ा
कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोनों विदाउट टैप करके फोटो क्लिक किया गया है, तो आप देखोगे कि प्रो के ऊपर जो है क्लिक वो इस ऊपर देखने को मिलता है लकड़ी के ऊपर, जबकि यहाँ पे हमें दूसरे लकड़ी यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिलता है बम्बू के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों का जो फोकस है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जबकि दोनों को मैंने सेम टू सेम क्लिक किया है विदाउट टैप करके, लेकिन फोटो की डिटेल्स दोनों काफी अच्छा है, बट मैक्स में थोड़ा कलर ज्यादा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आते हैं अनदर इमेज के ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ पे जो नीचे का एरिया है ये थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है प्रो के अंदर, जबकि मैक्स के अंदर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पे प्रो के अंदर जो सनलाइट है ये काफी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है और काफी अच्छा लग रहा है, जबकि यहाँ पे मैक्स के अंदर लग रहा है कि लाइट उतना ज्यादा तेज नहीं है जितना कि हमें प्रो में दिखाई दे रहा है। अगर मैं दोनों को जूम करूँ कुछ इस तरीके से तो आपको दोनों में काफी अच्छा डिटेल देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे ट्री के ऊपर जाता हूँ फोकस को, तो यहाँ पे दोनों में सेम टू सेम देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे हल्का येलो देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा ज्यादा कैप्चर हुआ है, जबकि यहाँ पे मैक्स के अंदर लाइट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद नेक्स्ट इमेज की ओर आते हैं फिर से, तो स्विच करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट इमेज पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रो है हमारा, इसमें आपको ग्रीन थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है नेचुरल टाइप का, और यहाँ पे मैक्स के अंदर थोड़ा व्हाइट एरिया मुझे थोड़ा ज्यादा दिखाई दिया है, तो ग्रीन थोड़ा यहाँ पे कम मुझे लगा है, बट इमेज साइड बाय साइड एक जैसा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हो, तो फिर से प्रो के अंदर जो ट्री है ये आपको थोड़ा ज्यादा लाइट्स दिखाई दे रहा है, यानी सनलाइट ज्यादा वहां पर नजर आ रहा है, जबकि मैक्स के अंदर थोड़ा कम देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे मैक्स के ऊपर जो गेट हमें नजर आ रहा है इसका जो ब्लू कलर है थोड़ा ज्यादा बूस्टेड है, जबकि यहाँ पे कम है। यहाँ पे अगर दोनों के दूसरे साइड नजर डालें तो यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा डिटेल देखने को मिलता है, जबकि दूसरे इमेज पे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ब्लैक ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि ब्लैक थोड़ा ज्यादा हमें दिखाई देता है प्रो के अंदर, जबकि मैक्स के अंदर हमें थोड़ा रेड दिखाई देता है। दूसरे इमेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे स्काई का कलर दोनों में चेंज नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छा सा स्काई कलर मैक्स में नजर आता है, जबकि हमें यहाँ पे प्रो में थोड़ा व्हाइट ज्यादा देखने को मिलता है। दोनों पे इमेज कर जूम तो आपको दिखाई देगा इधर के लिए जो ब्लैक डार्क एरिया है ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे डार्क थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे बांस का जो कटआउट है बम्बू का यहाँ पे भी थोड़ा ठीक डिटेल्स हमें दोनों में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे जो आपको ऊपर का छत दिखाई दे रहा है ईंट दिखाई दे रहे हैं इसमें डिटेल मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि स्काई थोड़ा व्हाइट है। और यहाँ पे हमें ब्लर देखने को मिल रहा है उसी ईंट के ऊपर जो कि मैक्स का इमेज है, तो कुछ अलग अलग तरीके का हमें इमेज देखने को मिला है दोनों में, जो कि भाई काफी कंफ्यूजिंग है। लेकिन आगे की ओर चलते हैं फिर से, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो यहाँ पे ट्री है इस पे ज्यादा ज्यादा लाइट दिखाई देता है, और जूम करते हैं दोनों के ऊपर तो यहाँ पे जो ट्री का डिटेल्स मुझे ज्यादा बेटर लगा है मैक्स के कंपेरिजन में, जबकि प्रो मुझे यहाँ पे इस बार सही लग रहा है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट प्रो का काफी अच्छा खासा है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा गेम चेंजिंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा इमेज, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे फेस के ऊपर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे दिखाया है आपको, यहाँ पे फेस पे जो नेचुरल कलर देखने को मिल रहा है काफी हद तक, जो कि मुझे सही लगा, जबकि यहाँ पे 108 मेगापिक्सल मैक्स का यहाँ पे फिर से थोड़ा रेड टाइप का ज्यादा देखने को मिल जाता है। डिटेल की बात करें तो दोनों काफी हद तक सही है, बट जो कलर का प्रॉब्लम है ना वो भाई मैक्स के अंदर देखने को मुझे मिल रहा है प्रो के कंपेरिजन में। साथ साथ नेक्स्ट इमेज के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम आपको देखने को मिलता है अनदर आते हैं, जो कि हमारा बुके इफेक्ट है, तो बुके इफेक्ट में भी हमें कुछ उसी तरीके का देखने को मिलता है, तो कलर का प्रॉब्लम मैक्स में यानी 108 के अंदर है। यहाँ पे नेक्स्ट इमेज पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है सेम उसी तरीके से डिटेल्स, जो कि काफी तक सही दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पे आपको डार्क ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स अच्छा दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पे हमारा मैक्स से क्लिक किया गया है। नेक्स्ट थोड़ा सा और मैं अगर जूम कर देता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमें डिटेल्स दिखाई देता है। नेक्स्ट इमेज को अगर मैं यहाँ पे फिर से जूम कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल काफी ज्यादा मिसिंग है। यहाँ पे जो बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है इसके ऊपर के जो टेक्स्ट है हम आसानी से रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रो का है यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि 108 है तो डिटेल आपको ज्यादा मिल जाएगा, बट कलर के थोड़े बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बट इस इमेज में मैं कहूंगा कि भाई 108 यानी हमारा मैक्स काफी अच्छा काम किया है, जबकि प्रो के अंदर डिटेल कम है। नेक्स्ट इमेज के यहाँ पर ऊपर आते हैं फिर से, यहाँ पे भी मैं दोनों को जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर से हम एक्स्ट्रा जूम करके लेके जाते हैं डिटेल्स चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SOP लिखा हुआ आ रहा है। अनदर इमेज को भी जूम करते हैं सेम जितना है,
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि 108 का डिटेल्स काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे प्रो का उतना खास अच्छा डिटेल देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो जो पुलिस लिखा हुआ है इन दोनों के ऊपर भी आपको कुछ उसी तरीके से डिटेल दिखाई देता है। फेस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों का जो कलर है, जिसमें प्रो में थोड़ा ज्यादा ब्लैक हमेशा नजर आता है जबकि मैक्स में उतना नहीं नजर आता है, तो कुछ इस तरीके से दोनों का इमेज हमें देखने को मिलता है। वंस अगेन इमेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे फिर से जो ट्री है वो थोड़ा ज्यादा बूस्टेड नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो सनलाइट है ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा। और यहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे डिटेल्स काफी अच्छा है ट्री के ऊपर, जबकि मैक्स ने यहाँ पे भाई कलर को तो कम लिया ही है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स भी ट्री का मुझे देखने को नहीं मिला है, यानी ब्लरी ब्लरी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल्स को जूम आउट करूँ तो यहाँ पे मुझे प्रो का काफी अच्छा लगा है, कलर्स भी और लाइट्स भी और डिटेल्स भी। यहाँ पे प्रो इस बार काफी अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इमेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक का, अब यहाँ पे आप चेक करके कमेंट करके बताना कि यहाँ पे किसका आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो सैमसंग का है 108, इसमें हमेशा रेड थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसका रेड होने की वजह से ब्लैक उतना शाइन नहीं नजर आ रहा है, जबकि प्रो के अंदर थोड़ा डार्क हमेशा मैंने आपको ज्यादा दिखाया है, तो यहाँ पे इसका जो ब्लैक है ये थोड़ा ज्यादा शाइन कर रहा है। तो यहाँ पे इमेज में मैं कहूंगा भाई प्रो का काफी अच्छा है, लेकिन कमी तो दोनों के अंदर थोड़ी बहुत देखने को हमें मिल ही जाती है। दोनों के अगर हम जूम करते हैं तो दोनों पे काफी अच्छा डिटेल्स देखने को मिलेगा, कोई भी कमी नजर नहीं आएगा, क्योंकि भाई काफी नियर से है ये, तो मिसिंग तो डिटेल्स की बात ही नहीं आती है। यहाँ पे भी फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा येलो येलो आप अर्थ के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे भी बाकी पीछे का गेट जो है कलर वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिमिलर है, बस वही रेड कलर आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से इमेज हमें यहाँ पे नजर आता है। अब बात कर लेते हैं जो मैंने वीडियो शूट किया उसमें, तो दोनों के अंदर मुझे वीडियो में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है, वो क्या है तो देख लेते हैं साइड बाय साइड। यहाँ पे फिलहाल मैं यूज करूंगा इसी का प्लेयर, कोई डिफरेंट नहीं, ताकि आपको अच्छे से डिटेल मिल सके। और अभी तक जितने भी शूट मैंने आपको शो किए हैं उनमें से आप कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे मैक्स पसंद आया है या फिर प्रो पसंद आया है, और आप किसे बाय करना चाहोगे, अगर आप बाय करने वाले हो तो प्रो को या फिर मैक्स को या फिर किसी को नहीं, आप X3 के ऊपर जा रहे हो, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और भाई आपने कौन सा बाय अभी कर लिया है वो भी आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने टिप्स ट्रिक्स जी कैम बूटलोडर अनलॉकिंग कस्टम रोम और बहुत सारे वीडियोज लेके आऊंगा इन फोन के ऊपर, तो आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब वीडियो को मैं दोनों को साइड बाय साइड प्ले करने वाला हूँ और आपको देखना कैसा डिटेल देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैं साउंड को भाई म्यूट करूंगा, क्योंकि मार्केट में था तो भाई नॉइज अजीब सा रहेगा। फिर से मैक्स के अंदर थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे डार्क थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब दोनों के यहाँ पे कैमरा फ्लिकर करते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे व्हाइट बैलेंस यहाँ पे अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे मुझे दोनों कैमरे के अंदर दिक्कत देखने को मिला है, और मैक्स हमेशा थोड़ा रेड दिखाई देता है और ये हल्का सा हमें डार्क देखने को मिलता है। फिर से मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड यहाँ पे सब कुछ अभी तक सही है, बस एक थोड़ा डार्क ज्यादा है और एक में थोड़ा हमें रेड टाइप का ज्यादा देखने को मिलता है। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति आता है कैमरे के सामने तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट जो लाइटनिंग है वो किस तरीके से फ्लिकर हो रहा है दोनों के अंदर, तो ये मुझे दोनों के अंदर कमी देखने को मिला है। बाकी मैंने सब कुछ आपको प्रॉपर बता दिया है, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैमरा किसका पसंद आया है और आपका क्या है ओपिनियन इनके बारे में। वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है बट काफी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कवर करने का, लेकिन आपका ओपिनियन मैटर करता है। और प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।